स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है, साथ ही साथ जनरल रीडिंग है। जरूरी की सबके लिए रिजोनेट करे वो मोस्ट ऑफ टाइम कर जाती है, और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीटा पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दें। ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, वेट करें या मूव ऑन कर लें इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे करना क्या है। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आया है और उसके बाद आपके सामने ये रीडिंग आ गई तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है। दीदी कैसे समझे कलेक्टिव रीडिंग हमारे लिए ही है? देखो अगर रिजोनेट करने लगे उसकी सारी सिचुएशन आपसे और आपकी और उनके भावनाएं अगर मैच होने लगे तो समझ जाओ ये रीडिंग आपके लिए है। बट कई बार जरूरी नहीं कि सेम सबके लिए हो, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ध्यान रखना फिलहाल बुकिंग बंद है, 29 तारीख के बाद हम बुकिंग शुरू कर देंगे। कोटेशन में कुछ चेंजेस हैं इस बार, कुछ ऐसे कोटेशन में चेंजेस लाएंगे जिसमें रेट्स थोड़े से कम कर रहे हैं। रेट्स कम मतलब जो मेन चल रहे थे वो रेट्स तो रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ और भी लोग जो लोग जैसे कि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं कि बस यस या नो दीदी बता दो या डेट बता दो या महीना बता दो, तो उनके लिए भी कुछ अभी स्मॉल स्मॉल अमाउंट के ऑप्शंस में रख रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी चेंजेस करने के कारण मैंने फिलहाल बुकिंग बंद कर दी है, ठीक है। सो बुकिंग शुरू हो जाएगी 29 तारीख के बाद, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के इंटेंशंस मुझे बताएं क्या है। इंटेंशन में मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगी, अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे इनके पार्टनर के इनके प्रति इंटेंशंस क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ये सबकॉन्शियस माइंड एंड दिमाग। एक मिनट हाँ, गर्मी हो जाएगी इसलिए मैंने पहले से ही ऑन कर दिया। ओके, ये मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि बाद में चेक करूंगी। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनमें मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहते क्या है ये समझ पाना इनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। इनको खुद को ही नहीं पता होता इनकी लाइफ में इनको चाहिए क्या। एक बार ये आपको लेकर ऐसे रहेंगे कि आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, आपसे जैसे दूर दूर भागेंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे या आइसोलेट करेंगे। पर दूसरे पल जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो ये व्यक्ति फिर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कोई ना कोई इस तरीके की स्थिति या सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा बचपना है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपको ठीक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे पाते हैं, ना अपने रिलेशनशिप को लेकर आंसर दे पाते हैं, ना इनके एक्शन में किसी तरीके की क्लैरिटी रहती है। हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं और आपको भी कंफ्यूज करते हैं। इससे पहले पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट करते हुए, बहुत सोच विचार करते हुए एनालिसिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और काफी ज्यादा अपसेट है ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइफ इनके लिए इतनी भी इजी या हैप्पी नहीं है जितना ये दिख रहे हैं। लाइफ में दिख रहा है कि नॉर्मल दिख रहे हैं या मे बी हैप्पी दिख रहे हैं या एक्साइटेड दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से डिसहार्टन है, अनहैप्पी है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बात से इनको खुशी महसूस नहीं हो रही है, कोई भी चीज इनको एक्साइट नहीं कर रही, कोई भी चीज की इनको अंदर से बोलते ना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही कि अच्छा चलो मैं हैप्पी हूं, अच्छा चलो मैं पीस फील कर सकता हूं, इस तरीके की एनर्जी इनको महसूस नहीं हो रही। हैप्पीनेस को मिस करते हैं, अपनी जिंदगी की पुरानी यादों को मिस करते हैं, पुराने छोटे छोटे पलों को याद करते हैं। इनके जीवन में मानो ये बहुत ज्यादा दुख लेकर बैठे हुए हैं पर सामने दिखाते नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अंदर से घुटन में है या अपसेट है। अगर आपको इनके घुटन के अंदाजा जानना है तो आप इनकी आंखों में देख लो, आपको सारे सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल में ये व्यक्ति का ओवर कॉन्फिडेंस खुद पर, ईगो और थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है या इनका अपना ईगो, आप दोनों के रिश्ते का ऑब्स्टेकल है। इनकी ईगो ये रिलीज नहीं करते, मैं झुकूं क्यों या मैं क्यों मानूं या मैं क्यों क्लैरिटी दूं, इस तरीके की दिक्कत पैदा हो जाती है। ये व्यक्ति आपको ना प्रॉपरली आने देते हैं अपनी जिंदगी में, ना प्रॉपरली जाने देते हैं आपको अपनी जिंदगी से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये व्यक्ति आपकी लाइफ में। ऑब्स्टेकल में मुझे ईगो या थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, या तो ये तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण ये बहुत इन्फ्लुएंस होकर ऐसी हरकतें करते हैं, या इनका ईगो है जिसके कारण ये व्यक्ति चाहकर भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देते और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
ये व्यक्ति के साथ आने वाले समय में आपके चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं अचानक से बाहर जाएंगे, कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे या कहीं किसी और को प्रायोरिटी देंगे जिसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, और इससे आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अपसेट, जिसके कारण आपको लगेगा कि अगर वहां टाइम देने के लिए तुम्हारे लिए पॉसिबल है और तुम वहां अपनी एनर्जी को डाल सकते हो तो मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। लाइक इस तरीके की एनर्जी, जिससे आप बहुत ज्यादा इस व्यक्ति से अपसेट हो जाएंगे और इनको एक्सेप्टेंस देने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। इस व्यक्ति के साथ आपके कुछ चैप्टर्स क्लोज होंगे और ये अचानक से विदेश यात्रा या ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए आखिर क्या सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, ये आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ रहना चाहते हैं पर क्यों रहना चाहते हैं इनको खुद को भी नहीं पता। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर क्यों बढ़ना चाहते हैं इनको ये भी नहीं पता। ये बस आपके साथ रहना चाहते हैं ये बात ये जानते हैं, बट इनको उलझन इसी बात की है कि इनको ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या कुछ फैसले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और इस वक्त ऐसा भी है कि आपके पार्टनर एक साथ बहुत सारा काम करियर में लेकर बैठे हैं, एक साथ बहुत जगह पे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी होने के चक्कर में भी ये व्यक्ति आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका टाइम दूसरी जगह इन्वेस्ट हो जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दूसरी जगह फोकस्ड हो जाते हैं, और इसी से ही आप हर दिन टूट रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं। इनके दिमाग में ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ये आपको भूलते नहीं हैं, ये भूल नहीं पाते, चाहकर भी नहीं भूल सकते ये आपको। आपका इनका कनेक्शन ही कुछ ऐसा रहा है जिसमें ये अपनी पुरानी यादों में ही बैठे नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि शरीर के रूप से ये व्यक्ति अपने काम में और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन आत्मा के हिसाब से अगर देखूं तो इनकी आत्मा में ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये अपनी आत्मा में आपके साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहे हैं, वो पल जो बहुत स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इनके लिए बहुत स्पेशल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन लेकर आ चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का क्या अपडेट है, इनकी एनर्जीज इनके पार्टनर के प्रति क्या है। टेन ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा आपको अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा किसी और चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपके लिए लाइफ में ऐसा हो चुका है कि आप इनके लिए जो भी कर रहे हैं ये उसका 1% भी नहीं करते, ये लौटाते नहीं है आपको, यानी कि ये सॉरी जरूर बोलते हैं या कभी कभार इनकी तरफ से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है। ये बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आप जो है ये व्यक्ति के साथ आगे बढ़कर सही कर रहे हो, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। लाइक इस व्यक्ति के कारण आप बहुत ज्यादा खुद को एग्जॉस्टेड भी फील करते हो, स्टक फील करते हो। आपको लगता है कि इस व्यक्ति की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली है या इनकी जिंदगी में इनका करियर है, इनके लिए ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, और आप इनको इनके पुराने अस्तित्व को याद कर रहे हैं। आप याद कर रहे हैं ये पहले कैसे हुआ करते थे, पहले कितने गिविंग थे, केयरिंग थे, और पहले ये आपकी कितनी परवाह करते थे, आप दोनों के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड हुआ करता था, दोनों के बीच में कितनी प्यारी केमिस्ट्री थी, दोनों जैसे मानो एक दूसरे से इतने कनेक्टेड थे कि दुनिया जलती थी, इस तरीके का कनेक्शन था। पर अब मानो चाहे कुछ भी कर ले चीजें ठीक होती ही नहीं। आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति गिल्ट फील करे अपने अंदर, रिग्रेट फील करे जो उन्होंने आपके साथ किया, जो चीजें जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, आप चाहते हैं ये उसके लिए आपको सॉरी कहें या रियलाइजेशन एटलीस्ट उनको हो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। आपके मन में ऐसा है कि अगर ये व्यक्ति एक बार सॉरी बोल दे या ये रियलाइज कर ले कि उन्होंने गलत किया तो शायद आप सब कुछ माफ करके दोबारा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने मन को जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप इनको मौका दे रहे हैं बार बार ये खुद होकर आए और चीजें बेहतर करें, आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करें, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सॉर्ट आउट करने नहीं आए हैं अभी तक। गिल्ट नहीं, इनको गिल्टी फील जो हुआ है वो ये दिखाते नहीं या रियलाइज हुआ है तो दिखाते नहीं, सॉरी नहीं बोलते, ना ही एफर्ट डालते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। पास्ट में से दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में भी बहुत ट्राई किया है इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, और भी ऑफर्स देखे हैं, और भी लोगों से आप मिले हो, और कहीं ना कहीं और भी प्रपोजल्स पे आपने ध्यान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से भी आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाए, या ये कह सकते हैं कि प्रपोजल्स ढंग के मिले ही नहीं आपको। किसी भी व्यक्ति से आप कनेक्टेड नहीं फील कर पाए, या तो कोई ढंग का प्रपोजल नहीं मिला जिसके कारण आप किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ पाए। आप पास में बहुत टाइम से ये बात को लेकर मन में क्यूरियस हो गए हो कि कहीं इनकी जिंदगी में कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो आ गया है, जिसके कारण ये व्यक्ति ने आपको ध्यान देना या इस व्यक्ति ने आपके लिए एफर्ट डालना ही बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं आपके मन में वो सवाल पैदा हो गए जहाँ पे आपको लगता है कि शायद सब कुछ बदल गया, और शायद ये व्यक्ति इसी कारण बदल गए क्योंकि इनकी जिंदगी में अभी शायद कोई और आ गया है। इस तरीके की एनर्जी है,
आप चाहकर भी अपनी जिंदगी में नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका दिल बार बार ये कहता है कि अब यहाँ सब खत्म होने वाला है, शायद जिंदगी की यही एंडिंग थी और आगे शायद कुछ और लिखा है मेरी जिंदगी में। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप अपनी जिंदगी में अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे और आपको लगेगा कि आपने हमेशा खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड दिया है और आपने हमेशा खुद को फोकस नहीं किया, बट दिस टाइम आप अपने आप को फोकस करेंगे। दूसरा, साथ ही साथ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत स्लो जा रही है, आपके जीवन में हर चीज बहुत स्लो हो रही है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप थोड़े से अपसेट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि लोग आपके सामने गलत करके भी जीत रहे हैं और आप कहीं ना कहीं सबके साथ मतलब अच्छा करके भी पीछे रह गए। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में देखते हैं क्या चल रहा है। आप इस व्यक्ति के पास जाना चाहते हो और खुद को रोकते हो। आप बार बार सोचते हो कि मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं, शायद कोशिश करूं, एक और कोशिश, शायद सामने चली जाऊं या शाम सामने बात करूं, शायद कोशिश करूं कि शायद ठीक हो जाए सब कुछ। आपको लगता है कि क्या अभी भी मुझे रुकना चाहिए, क्या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप दिल से बहुत बुरी तरह जाना चाहते हो इनके पास, आप जाना चाहते हो, इनसे प्यार की बातें करना चाहते हो, आप इनको बताना चाहते हो कि आपने कितनी तकलीफ का एहसास किया है, कितना अकेलापन फेस किया है। आप इनको बहुत सारी चीजें, अपनी मन की बातें बताना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता दोबारा पहले जैसा हो जाए। और आप दिल ही दिल में 50 बार ऐसा वक्त आया है जहां पर आपने फोन उठाया, मैसेज करने की हिम्मत बनाई, पर कहीं ना कहीं आप मैसेज नहीं कर पाए, आपको हिम्मत ही नहीं हुई, आपको लगा कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती। और अगर हो सकता है कि आपने पास में कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश भी आपकी कुछ खास सफल नहीं रही, जिससे आप हर्ट हुए हैं और आपको लग रहा है कि क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, या क्या मुझे उसका वेट करना चाहिए कि वो खुद होकर आएगा, क्या मैं मूव करूं, क्या मैं एक स्टेप लूं। शायद मेरे स्टेप लेने से ठीक होगा, पर मैंने स्टेप्स तो पहले भी लिए थे, पर पहले भी कोई असर तो आया नहीं, तो क्या मुझे वापस से ट्राई करना चाहिए या वो खुद होकर आएगा। इस तरीके की दुविधा आपके माइंड में है, फियर ऑफ लॉस है, आप डर रहे हो ये रिश्ता अब आपका खत्म होने वाला है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें हावी हो रही है, जिससे आप चिंतित हो। आप इनके रोमांस को मिस कर रहे हो, आपके दिमाग में 24 घंटे ये व्यक्ति चलते हैं, 24 घंटे। आप चाहे कितना भी काम करें, आप कितने भी गोल्स पे अपने फोकस करें, आप चाहे मेडिटेशन करें, आप चाहे रेकी हीलिंग करें, आप चाहे कुछ भी करें, पर ये व्यक्ति आपके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। इनका प्यार, इनका रोमांस, इनका एक स्वभाव, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर चीज आपको याद आती है, हर छोटे छोटे वक्त को आप याद करते हो, चाह कर भी आप उन्हें भूल नहीं पाते। आपको बार बार लगता है कि क्या इस व्यक्ति ने मुझसे सच में प्यार नहीं किया, क्या ये व्यक्ति सच में मेरे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, सिर्फ मुझे यूज कर रहा था, क्या ये सच में मेरे लिए इमोशनल नहीं था। अगर था तो इसने क्यों कुछ एक्शंस नहीं लिए, क्यों इसने कुछ किया नहीं, क्यों इसकी तरफ से मुझे इतनी तकलीफें हासिल हुई, क्यों इसने मुझे धोखा दिया, क्यों इसने मुझे हर्ट किया, क्या ये मैं डिजर्व करती थी, क्या ये मैं डिजर्व करता था, इसने मुझे तकलीफ क्यों पहुंचाई। इस तरीके की एनर्जी आपके दिमाग में चलती है, आप चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पा रहे हो और आने वाले समय में आप अपने नसीब को भी कोसते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलत किया, मैंने किसके साथ बुरा किया, मेरी क्या दोष थी, मैंने आखिर तो सबको प्यार दिया, सबके लिए अच्छी भावना रखी, फिर मेरे साथ गलत क्यों, क्या भगवान है, क्या ईश्वर सुनता है, क्या अल्लाह सुनता है, क्या यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो मेरा दर्द क्यों बढ़ा रहा है, बजाय मेरे दर्द को कम करने की ये मेरा दर्द क्यों बढ़ा रहा है, मुझे और तकलीफें क्यों दे रहा है। हाल कुछ ऐसा है कि हंसते हंसते बिना वजह आप कभी रो पड़ते हो, कभी हंसते हंसते बिना वजह आप सोच में चले जाते हो, रात में बिना वजह बस अचानक से सोचने, बहुत सोच विचार करने लगते हो, मन जैसे बहुत बेचैन होता हुआ आने वाले समय में नजर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिस व्यक्ति से ये डील कर रहे हैं, मैं उनकी एनर्जीज बता देती हूँ। जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस वर्गो सैजिटेरियस, ये साइंस आपकी या इनकी किसी की भी हो सकती है, पूरी ऑल साइन रीडिंग है जो हाईलाइटेड है, से मैंने वही बताया। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ओके। 8, 9, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 24 हो सकता है या 6 हो सकता है, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या इस रिश्ते में आप कोई गुंजाइश बची है, क्या इस रिश्ते में कुछ ठीक होने की गुंजाइश है, जिस रिश्ते से ये डील कर रहे हैं, क्या इस रिश्ते में कुछ ठीक होने की गुंजाइश है। ये रिश्ता बहुत बुरी तरह बिखर गया है, इस रिश्ते में जैसे एक बहुत बड़ी लेवल की कंपटीशन है, जैसे कि ना हर दिन आप एक नए चैलेंज को फेस कर रहे हो। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को समझने का पावर नहीं है, जानो मानो ना खुद कुछ समझ सकते हैं ना दूसरे को समझा सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ चुकी है जहां पर
हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी है आपको, कभी थर्ड पार्टी से, कभी आपके खुद के पार्टनर से, कभी ये समझाना है, कभी वो समझाना है। जैसे मानो आपके पार्टनर ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उस मुश्किलों को कम करने के लिए वो साथ नहीं दे रहे, उल्टा आपके लिए रास्ते और कठिन कर रहे हैं। आप कुछ रियलाइजेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हो, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अंदर से मार रही हैं या तकलीफ दे रही हैं, और अंदर से आप बहुत बुरी तरह से खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो, बहुत ज्यादा बुरी तरह। आप दिखाते हो कि आप नॉर्मल हो, बट आप नॉर्मल हो नहीं, आप अंदर से बहुत बुरी तरह से डाइंग सिचुएशन पे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि अंदर आत्मा बार बार चीख कर कह रही थी कि बोला था ना तुझे ऐसा होगा, तूने क्यों उसे मौका दिया, क्यों उसको अपनी जिंदगी में लाई, नहीं करना चाहिए था, तूने इसको क्यों ये अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया, क्या उसने तेरी कदर की, क्या उसने तेरा वर्थ समझा, अब तू देख क्या हुआ तेरे साथ, क्या तुझे अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मन में इतने सारे सवाल आते हैं जहाँ पर आप परेशान हो रहे हो, कोई बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आ रही है जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं इस रिश्ते में रहकर बेवकूफ़ी तो नहीं करती रही, कहीं ये स्पिरिचुअल होने के चक्कर में, कहीं यूनिवर्स के चक्कर में, ये सब चक्करों में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को पिसती चली जा रही हूँ और मेरा कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इंतज़ार करती रह जाऊँगी और इस इंसान का परिवार बनता रहेगा, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी में लूँगी, मैं ऐसे अकेलेपन से गुजरती रहूँगी या गुजरता रहूँगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ। इस तरीके की रियलाइजेशन आपके अंदर आ रही है। आप काफ़ी हद तक चाहते हैं कि आपके साथ जीवन में जस्टिस हो, जो कि आपके साथ अब तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपके जीवन में आपने सिर्फ ईश्वर से ये मांगा था कि मुझे सब कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि किसी का बुरा हो, मैं ये नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता कि किसी और को तकलीफ हो, पर मैं अपने हक की खुशी ज़रूर चाहता हूँ, मैं अपने हक का प्यार चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने मेरी कदर नहीं की, जिसे मैंने इतना प्यार दिया, कम से कम उसे रियलाइज़ तो हो जाए, कम से कम उन चीज़ों को ठीक करने का एक तो प्रयास करे, कम से कम एक सॉरी बोल दे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप इस व्यक्ति के साथ सोच विचार करके ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, जहाँ जस्टिस नहीं हो सकता वहाँ मैं क्यों ना अपने आप को बदल दूँ और मैं इस व्यक्ति का इंतजार करना बंद कर दूँ या इससे होप्स रखना बंद कर दूँ। आप चेंज हो रहे हो, आप हर दिन चेंज हो रहे हो, आपके अंदर जैसे एक देवी या देवता मरता चला जा रहा है, आपके अंदर की देवी देवता अब अंदर से एग्जिस्ट नहीं करते, मानो आप दानव बनने पर लग गए हो। आपको लगता है कि शायद अच्छा बनना बहुत गलत है, शायद अच्छे बनकर आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब अच्छे बनकर प्यार दिया तो कहीं ना कहीं ठोकर खाई। इसकी जगह अगर मैंने अच्छे बनकर अपने फायदे का सोचा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत अलग जगह पे होता या होती। आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि आप बेवकूफ़ हैं क्योंकि आप इमोशनल रहे। अगर लोग बहुत दिमाग से चले, लोगों ने प्रैक्टिकलिज्म निभाया, पर आपने जस्ट बिकॉज अपने इमोशंस की सुनी, अपने दिल की सुनी, इसलिए आप बहुत बुरी तरह से गिरे, इसलिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आप उन लोगों में से बन रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली दूसरों का बुरा होने देते हैं और सोचते हैं कि फाड़ में जाए सारे के सारे, सेल्फिश हो जाते हैं, और आप सोच रहे हैं इससे अच्छा मैं सेल्फिश हो जाऊँ यार, मैं अपने आप पे फोकस करूँ, इट्स बेटर कि मैं भी दूसरों जैसे बन जाऊँ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती नज़र आ रही है, आप बहुत बदल रहे हो, ठीक है, आप बहुत डिफरेंट पर्सन बनोगे। आने वाले समय में आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एक योद्धा नज़र आ रहा है, आप खुद को बदल रहे हो, आपके अंदर एक योद्धा देखा जाएगा, एक वॉरियर जो फाइट करेगा अपने प्रॉब्लम से, अपने प्रॉब्लम्स को फाइट रोते हुए नहीं करेगा, रो के नहीं करोगे आप अपने प्रॉब्लम्स को फाइट, आप अपने प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे करोगे जैसे कि अब आप नेगेटिव लोगों को अपने आसपास नहीं रहने दोगे, आप अपने ज़िंदगी के नेगेटिव लोगों को खुद ही कट आउट करोगे, खुद के खुद। आप सोचोगे कि बस अब मुझे जीवन में वो चाहिए जो मेरे साथ है, जो मेरा साथ नहीं दे सकते मुझे उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ें हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। मानो एक जना जंग लड़ रहा है और दूसरा बैठा सिर्फ सोच रहा है कि काश वो होती, काश वो होती, पर वो दूसरा व्यक्ति जंग लड़ते लड़ते थक रहा है, वो थक रहा है, वो अपने हथियार डाल रहा है, वो हर दिन इतने सारे लोगों से लड़ रहा है, मानो कुछ इस तरीके से जैसे कि एक युद्ध है जिसमें बहुत हजारों लोगों की भीड़ है और वहां पर आप एक अकेले से पर्सनैलिटी जो तलवार लेकर खड़े हो, जस्ट बिकॉज उस युद्ध को जीतने के बाद आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, ऐसा आपको लगता है। आप युद्ध लड़ते जा रहे हैं, आपने बहुत लोगों को मार गिराया, बहुत लोगों को जो है
एक वॉरियर बन के कॉन्फिडेंटली डील किया, आपने किसी को दिमाग से, किसी को हथियार से मारा, हर तरीके से कोशिश की, हर तरीके का एफर्ट डाल दिया, बट नाउ आप थक रहे हो, आपको लग रहा है आपके शरीर में जान नहीं, शरीर थक चुका है, सुन पड़ चुका है, ना दिमाग काम कर रहा है ना शरीर काम कर रहा है, अकेले इतने लोगों से लड़ चुके हो कि मानो अब एक साथ सारे लोगों ने आपके ऊपर अटैक कर लिया है, सारे के सारे, अब आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, कैसे सिचुएशन से निकलनी है, क्योंकि सबके पास तलवार है और आप एक हो, सबने आपको घेर दिया है, अब आप क्या करोगे, अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फील हो रहा है आप अकेले पड़ गए, आपको फील हो रहा है, आपको डर हो रहा है कि अब आप शायद चले जाएंगे, अब शायद आप मर जाएंगे, शायद अब आपको मार दिया जाएगा, शायद अब आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप मर जाएंगे तो अपने पार्टनर से मिलेंगे कैसे, आपके पार्टनर से आपका मिलन कैसे होगा, अब तो सब कुछ खत्म होने जा रहा है, जब आसपास इतना बड़ा घेरा बना हुआ है तो आप अपने आप को बहुत रोता हुआ महसूस कर रहे हैं, ये सोचकर कि यार क्या ये था मेरा अंत, मैंने तो लड़ाई करी है, मैंने तो युद्ध खेली और एक हार्डवर्क दिखाया, अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया, ईश्वर पे कॉन्फिडेंस रखा, क्या ये मेरा अंत था, काफी लोगों ने आपको घेर दिया, आपको मार दिया, हर एक ने एक अलग खंजर, किसी ने पीठ पे, किसी ने दिल पे, किसी ने पेट पे, हर किसी ने एक अलग तलवार मारी, आप रोते रहे और मरते रहे, आपकी ज़िंदगी में जैसे आपका अंत हुआ, आपने कोशिश की सांस लेने की, नहीं आखिरी बार सांस लूँ, शायद शायद थोड़ी सी सांस बचाऊँ तो शायद मेरा पार्टनर वापस आ जाए और शायद वो मुझे देख ले कि मैंने कितना दर्द सहा, शायद वो मेरे पेट के खंजर निकाले और मुझे आराम दे, मुझे रिलैक्स कराए, मुझे बताए कि मैं हूँ साथ में, तू मरना नहीं, मैं तुझे जीवित रखूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, लोग एक के बाद एक खंजर मारे चले जा रहे हैं, इस घेरे में आप अकेले ही सबके बीचों बीच तलवार से मारे जा रहे हो, एक के बाद एक बहुत लोग आपको मार रहे हैं, आप अकेले और आखिर आप घुटने के बल आ रहे हो, आखिर आप बहुत बुरी तरह गिर रहे हो और उसके बाद आप पूरी तरह से ख़त्म हो गए, आपने खुद को ख़त्म महसूस कर दिया, बस इससे ज़्यादा सांस नहीं ले सकती, इससे ज़्यादा सांस नहीं ले सकता, थक गया, वो तो आया ही नहीं, इंतजार करते करते थक गए, वो तो आया ही नहीं, यहां पर आपका अंत हुआ, सारे चले गए वहां से, सारे चले गए, सबके सब भाग गए, क्योंकि सबने मार दिया आपको, सबने आपको बहुत बुरी तरह मारा, हर एक व्यक्ति ने, अगर अब आप खोलकर सोचें, अगर आप सोचें, इमेजिन करें, तो ये सारे व्यक्ति जो भीड़ में आपको मार रहे थे, अगर आप उनका चेहरा इमेजिन करें तो आपको एहसास होगा कि ये भीड़ में मारने वाले व्यक्ति जो थे, वो जो सारे वॉरियर्स आपसे लड़ रहे थे, वो सब आपके पार्टनर ही थे, आपके पार्टनर के ही चेहरे में आपको नज़र आएगा, वो सब आपके पार्टनर के चेहरे थे, वही आपको कभी पीठ पे, पेट पे, दिल पे खंजर घोपे जा रहे थे और आप गिर गए, आप अंत तक रोते रहे कि शायद वो आ जाए, जबकि वही आपको मार रहे थे, बार बार मार रहे थे, आप मर गए, सब चले गए, आपने बहुत सोचा, आपकी आखिरी सांस चल रही है, आपने सोचा कि जिंदगी तो यार ऐसे ही निकल गई, इसका इंतजार किया, इसे नहीं मार दिया, इसका इंतजार तो बहुत दिल से किया यार, इसके लिए ही तो लड़ाई में उतरी थी, मैदान पे उतरी थी, इसी के लिए ही तो लड़ रहा था मैदान पर, मैदान है जंग, और मैंने बहुत ही हायर लेवल पे इस जंग को लड़ा भी है, भगवान को भी साक्षी माना, यूनिवर्स को माना, हर एक व्यक्ति को माना, सब चीजें कर ली और इसी ने ही मुझे मार दिया, गलत हुआ ना, मेरे साथ तो गलत हो गया, मैंने तो खुद के साथ गलत कर दिया और होने दिया, आखिरी सांस में आपने ये सोचा, नहीं यार ये अंत नहीं हो सकता, मैं एक योद्धा हूँ, मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं अपना जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, तो क्या हुआ इस व्यक्ति ने मेरा दिल तोड़ा, तो क्या हुआ इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, तो क्या हुआ इसने मुझे खंजर घोपे, तलवार मेरे पास भी थी, आप दोबारा गहरी सांस लेते हैं, खूब दर्द के साथ, पेट में दर्द, पीठ पे दर्द, खंजर घोपे हुए हैं, दोबारा उठते हैं कि बस हुआ, अपने खंजर खुद निकालते हैं और फिर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, फिर चलते हैं आगे, पर इस बार आप लड़ाई इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, इस बार आप अपने जीवन के लिए लड़ेंगे क्योंकि आप इस जीवन में कुछ करने आए थे,
अपने लिए फाइट बैक करेंगे। अकेलापन है, खालीपन है, धोखे हैं, बहुत ज्यादा पेन है, कहीं ना कहीं टूट गए आप, मर गए आप, पर ये नया जन्म है। आप दोबारा उठे हैं, अब आपके अंदर एक नया जन्म है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सीधा मैदान पे उतरेंगे? नहीं, अब आप एक हकीम को या एक डॉक्टर को खोजेंगे जो आपका इलाज कर सके। ये हकीम जब आप आपके पास आए तो हकीम ने आपका इलाज किया। आपने अचानक उसका मुंह देखा तो रियलाइज हुआ उस डॉक्टर और हकीम की शक्ल तो आपसे मिलती है, ये तो आप खुद हो। आपने खुद को खुद ठीक करने का प्रयास दिखाया, खुद को खुद स्टिचेस मारे, खुद को खुद ठीक किया। जैसे ही आप हट्टे खट्टे हो गए, चलने लायक हो गए, आपने दोबारा खुद को पुश किया कि यार चलना है, बस आगे बढ़ना है। आपने धीरे धीरे चलना सीखा। कुछ दिन कमजोरी महसूस हुई, कुछ दिन खिचड़ी खानी पड़ी, कुछ दिन ऐसा खाना खाया जो अच्छा नहीं लग रहा था, पर जिस पे दिन खिचड़ी खा रहे थे या एक मेवाला अपने मुंह में डाल रहे थे, उस दिन बहुत बुरी तरह रो रहे थे। नहीं, खिचड़ी बुरी नहीं बनी थी, रो इसीलिए रहे थे क्योंकि याद आ गया कि कैसे आखिरी खंजर तक आपने उनकी आस रखी और वो व्यक्ति आपको छुरा घोप कर चले गए। उस एक निवाले को खाते वक्त आपने उस दर्द को महसूस किया। आपके आंखों से आंसू थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप खाना खा रहे थे क्योंकि आपको ठीक होना था, आप खुद को ठीक करना चाहते हो। अब आप ठीक हुए, धीरे धीरे समय आया, अब आपको लगा कि बस मैंने जो देखना था, जो सच था, जो सत्य था, मैंने उसे देख लिया। मेरा सत्य मेरे सामने था, अब उस चीज को तो मैं डिनाय नहीं कर सकता या कर सकती, वो तो मेरा सत्य है, मुझे देखना था सामने, एक ना एक दिन ये आना था। तो अब आपने खुद को ठीक किया, धीरे धीरे आप चलने लगे। अब आपके एक एक स्टेप पे जब आप सीधे चलने लगे, क्योंकि आपको खंजर लगे थे तो सीधा चलना मुश्किल था, जब आप धीरे धीरे सीधे चलने लगे तो आपको बड़ी खुशी होने लगी क्योंकि फाइनली आप में इम्प्रूवमेंट है। फिर आप सीधे और तेजी से चले, और अच्छी लगी, खुशी हुई। अब आप दौड़ने लगे, अब आपको दौड़ना आ गया। अब आप धीरे धीरे अच्छा खासा खाने लगे, मीठा भी खाते हैं। आपके फेस पे मानो फिर से वैसी रौनक और मुस्कुराहट आ गई क्योंकि अब आप अपने अंदर खुद के अस्तित्व को देख पाए। आपने खुद को ठीक किया खुद, और ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है। अब दोबारा से वो दिन आ गया जब आपने एक वॉरियर बनकर, एक योद्धा बनकर अपने कवच को दोबारा उठाया और उसे पहना, हाथ में उस तलवार को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा और खुद से कहा, चल अब लड़ेंगे, अब तो मैदाने जाएंगे मेरे दोस्त, अब हजार नहीं, अब बहुतों को गिराना बाकी है, लेकिन इस बार दूसरों के लिए नहीं, इस बार मैं मेरे लिए लड़ूंगा, इस बार मुझे मेरी जीत चाहिए क्योंकि मैं अपने जीवन में लीडर बनने के लिए बना हूं। मैं लोगों की जिंदगी में रोशनी लाऊंगा, और ना सिर्फ इतना, मैं अपनी जिंदगी में एक लीडरशिप क्वालिटी यानी कि राजा के पद पर आकर बैठूंगा। बहुत राज कर लिया लोगों ने मुझ पर, बट अब बारी मेरी है। सो ये जो है रंग से राजा का सफर आपका है। सो दीदी समझ नहीं पाए आगे अंत क्या है, आखिर आपने कहना क्या, कहने की क्या कोशिश की? मेरे दोस्त आंखें खोलो, जो आपके साथ हो रहा है घटित, जो भी तकलीफ है उसका हिस्सा, उसका गुनहगार अगर कोई वीक आपको बना रहा है, कोई कमजोर बना रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? वो आपका पार्टनर है, राइट? क्योंकि उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को लेकर आप इतना ज्यादा सोच विचार करते हो कि आप अपने को हर दिन मार रहे हो, हर दिन मर रहे हो, उसे देखते हो, तकलीफ में होते हो, उसका फोटो, उसकी मेमोरी, इसे दिमाग से कब निकालोगे? ऑलरेडी तो सारे खंजर लग गए, उस आखिरी खंजर का इंतजार है, तो आखिर कब उठना है? वो वक्त आ गया जहां पर आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, हकीम बनना पड़ेगा और अपना इलाज खुद करना पड़ेगा ताकि अब दोबारा मैदाने जंग कर सको, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तो मेरे सवाल का जवाब आप समझ पाए, जो सवाल आपने किया, क्या मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन? तो यस, मूव ऑन करो। क्यों?
क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही ढीठ इंसान से डील कर रहे हो, कोई ऐसा इंसान जो बहुत अड़ियल है, जिसकी ईगो बहुत हाई है, जिसके लिए उसके पैसे और परिवार और सभी से ऊपर कोई नहीं आया, जिसने आपको हमेशा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे रखा, जिसको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप अकेले हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको एंजाइटी है, आप डिप्रेशन में हैं, जिसने आपके आपको आके हाल नहीं पूछा, क्या उस व्यक्ति का वेट करना आपके लिए आपको लगता है सही है? गलत कौन है, वो या आप? डेफिनेटली दोषी तो आप हो। तो क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? आगे बढ़ेंगे तो स्वाभिमान है आपका, स्वाभिमान जो आपको अलाइव रखता है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सकता है, आपके अंदर की हिम्मत है। दीदी किसके लिए जिए फिर? तुम कर्म करने आए थे इस धरती पे, तुम प्यार करने, परिवार बसाने नहीं आए थे। हमेशा याद रखो, इस धरती पे हम हर एक व्यक्ति किसी कर्म के कारण आता है, कोई कर्मा है जो हमें करना है, उस कर्मा को करने के लिए रेडी हो जाओ। क्या है दी वो कर्मा? समय के साथ आपके सामने वो सारे कर्मा आएंगे, लेकिन तब तक सिर्फ अपना कर्म यानी कि अपने काम पे फोकस करो। आपका काम आपको वो लेवल पे लेके जाएगा जहां पर एक दिन आपके पार्टनर आपको देखकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और सोचेंगे कि शिट यार, मैंने तो इसे बहुत हल्का समझा था, ये तो बहुत बड़ी चीज निकली। राजा बनने का टाइम आ गया है, योद्धा कब तक बने रहोगे, राइट? सो उम्मीद करती हूँ आपके सवालों पर मैं जवाब दे पाई। मैंने बहुत पूरी तरीके से कोशिश की कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरा एफर्ट समझ में आया, हीलिंग अच्छी लगी, किसी तरीके से कुछ क्लैरिटी मिली, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालना, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।